नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लाहिरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हीम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों, अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है, जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, वह जो इवन पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए YouTube पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को YouTube पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी।
अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साद श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल मधु कपूर राज किशोर राणा दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें प्रोड्यूसर की तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें
क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हिज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ एंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे।
तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह जरूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो
पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है, सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक, और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है, प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है, जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राजकिशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें प्रोड्यूसर की तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स, ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हिज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स। द डेथ
हैंड रिव्यूज विद इवन पावर टू अवेज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए YouTube पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को YouTube पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंद्र होता है वह सूरज के किरदार में होता है, जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है, जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है, नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है, राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है, और जो मैक मोहन होता है वह क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है, सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक, और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है, प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है, जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स, ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूएबल रिंग्स इन हिज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ एंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है, जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंद्र होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों, वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है, वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों, वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है, वह क्रिस्टोफर साद श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो पिंचो कपूर जो होता है, मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है, वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की, तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों, वो प्रेम के किरदार में है। साथ ही दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है, वो मिसेस मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं, जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है।
तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों, अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके
उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवन पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापिस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह जरूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है, वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों, वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है, वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों, वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है, वो क्रिस्टोफर साद श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो पिंचो कपूर जो होता है, मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है, वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की, तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों, वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है, वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं, जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में
80 में रैमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हीम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स। द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवन पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लाहिरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स। द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों, अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है, जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, वह जो इवन पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी।
अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राजकिशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन की बात करें प्रोड्यूसर की तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लाहिरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें
क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हिज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेट एंड रिव्यूज विथ इवन पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे।
तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हिज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स। द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो
पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है, सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक, और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है, प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है, साथ ही दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है, साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राजकिशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें प्रोड्यूसर की तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है, और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था, और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था, और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स, ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर, द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ
हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेज। यानी कि दोस्तों, अगर हम कहानी की आगे बात करें तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, वह जो इवल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है, वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों, वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है, वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों, वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है, वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है, मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है, वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की, तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों, वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है, वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं, जैसे बीरबल, मधु कपूर, राजकिशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे।
तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हीम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है, जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापिस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की, तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं, जैसे बीरबल, मधु कपूर,
राजकिशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लाहिरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हीम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ एंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों, अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें
एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह जरूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है, जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है, जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है, नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है, राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है, और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है, सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक, और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की, तो वो कंठीलाल के किरदार में है, प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है, जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रामसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूजिक कंपोजर थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ एंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है, जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है, वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों, वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है, वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों, वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है, वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो पिंचो कपूर जो होता है, मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है, वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की, तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों, वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है, वो मिसेस मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं, जैसे बीरबल, मधु कपूर, राजकिशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है।
तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हीम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स। द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों, अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके
उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापिस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए YouTube पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को YouTube पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है, वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों, वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है, वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों, वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है, वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो पिंचो कपूर जो होता है, मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है, वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की, तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों, वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है, वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं, जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में
1980 में रैमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूजिक कंपोजर थे वो पप्पी लाहिरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें तो क्रिस्टोफर साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज अ वैल्यूएबल रिंग्स इन हिज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स। द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंद्र होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वह क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। साथ ही दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेस मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों, अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है, जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, वह जो इविल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह जरूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी।
अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल मधु कपूर राजकिशोर राणा दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं YouTube पे फ्री में तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें प्रोड्यूसर की तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें तो क्रिस्टोफर आ साइनिक साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें
क्रिस्टोफर होता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हिज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हिज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ एंड रिव्यूज विथ इवन पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवन पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। यह ज़रूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए YouTube पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को YouTube पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें तो पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है। सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक। और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है। प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है। जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राज किशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस फिल्म को YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे।
तो दोस्तों जब तक यह बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसको रिलीज़ करने की परमिशन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो मैं ज़रूर आपके लिए यह अपलोड करूँगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इसको आप फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह फिल्म तो मैं फ्री में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गेस्ट हाउस की, तो यह 1980 में आई एक बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसका जो डायरेक्शन का काम किया है वो श्याम रेमसे और तुलसी रेमसे ने किया है। अगर दोस्तों प्रोडक्शन कम की बात करें, प्रोड्यूसर की, तो रामसे ब्रदर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और यह फिल्म दोस्तों 1980 में रेमसे प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो दोस्तों म्यूज़िक कंपोज़र थे वो पप्पी लहरी साहब थे। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, तो यह फिल्म दोस्तों 1980 में रिलीज़ किया गया था। और अगर हम दोस्तों प्लॉट की बात करें, तो क्रिस्टोफर आ साइको विथ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स, यानी कि जो दोस्तों इसमें क्रिस्टोफर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वह स्पिरिट से दोस्तों कांटेक्ट कर सके, आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। गोज़ टू रिमोट विलेज फॉर द कंडक्टिंग टू सीन्स। ही स्टेड इन गेस्ट हाउस एट द विलेज। क्रिस्टोफर हैज़ अ वैल्यूबल रिंग्स इन हीज फिंगर। द गेस्ट हाउस मैनेजर एंड को वर्कर्स मर्डर्ड हिम एंड कट्स हीज हैंड ऑफ फॉर रिंग एंड बरीज द क्रॉप्स द डेथ हैंड रिव्यूज विथ इवल पावर टू अवेंज। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी की आगे बात करें, तो उसमें एक बार दोस्तों वह गेस्ट हाउस में क्रिस्टोफर रहने के लिए जाता है, जिनके हाथ में एक मतलब जादुई अंगूठी होता है जिससे वह स्पिरिट्स से कांटेक्ट करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं और उसके साथ में काम करने वाले होते हैं, वह क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके हाथ को काट करके उसको दोस्तों दफन कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वह जो इवल पावर है, वह जो मरे हुए आत्मा है, वह बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों, यह जरूर मैं आने वाले वक्त में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में आप इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर हम दोस्तों इसमें कास्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों जो विजेंदर होता है वह सूरज के किरदार में होता है। जो पद्मिनी होती है दोस्तों वह सुनीता के किरदार में होती है। जो प्रेम नाथ होता है वह क्रिस्टोफर के किरदार में है। नरेंद्र नाथ है जो दोस्तों वह जॉन के किरदार में है। राजेंद्र नाथ इसमें दोस्तों बाबरा के किरदार में होता है। और जो मैक मोहन होता है वो क्रिस्टोफर साध श्रीवास्तव के किरदार में है। अगर दोस्तों अन्य कलाकार की बात करें, तो
पिंचो कपूर जो होता है मिस्टर मेहरा के किरदार में होता है, सुधीर इसमें दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है एक, और जो सुजीत कुमार है वो काला के किरदार में है। अगर दोस्तों बात करें रुपेश कुमार की तो वो कंठीलाल के किरदार में है, प्रेम किशन जो है दोस्तों वो प्रेम के किरदार में है, जाती दोस्तों सुधा शिवपुरी जो है वो मिसेज मेहरा के किरदार में है। साथ में दोस्तों जो अन्य कलाकार हैं जैसे बीरबल, मधु कपूर, राजकिशोर राणा, दीप कुमार और दोस्तों श्रुति आस्था जैसे अन्य कलाकार ने इसमें काम किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में यह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार।